Hey guys, welcome back to my channel Soniya Tiwari. Okay, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत हेल्पिंग वीडियो जो कि क्या है अच्छा ओके बताती हूँ बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगेन आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ प्लीज नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का उसे जाके से प्रेस करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए उसके पास में एक आइकन बेल बटन भी होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू चली जाए ओके नोटिफिकेशन के थ्रू चली जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें आप मेरी सारी वीडियो देखें ओके बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए ओके स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क जो कि किस चीज के लिए काम आएगा पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ. अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. मैं जो हेयर मास्क बताने वाली हूँ वो आपके बालों के लिए मतलब जैसे लाइक मेरे हो गए ना दो मुहे बाल कहीं कहीं से और मुझे मेरे बाल ऑलमोस्ट वैसे बहुत सिल्की एंड स्मूथ रहते हैं बट आजकल देखिए क्या हाल है मेरे बालों का. तो इनको सिल्की स्मूथ एंड इनको एक वॉल्यूम और थोड़ा सा बाउंसी बनाने के लिए मैंने ये आज एक हेयर मास्क आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और लेकिन अगर आपके बालों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो ये उसे स्टॉप नहीं करेगा. कहीं आप सोचें कि अरे ये हेयर मास्क लगाने से मेरे बाल ना हेयर फॉल हो रहे हैं टूट रहे हैं गिर रहे हैं तो वो रुक जाएंगे. नहीं, ये सिर्फ आपके बालों को रिपेयर करेगा. ठीक है, डैमेज्ड बालों को रिपेयर करेगा ना कि आपका हेयर फॉल रुकेगा. ठीक है, इस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए देख लेते हैं. सबसे पहले चाहिए मुझे उसके लिए आफ्टर वॉश हेयर क्रीम जो कि मेरे पास है बायोले की और ये मेरे पास एक्चुअली मेरी फेवरेट हेयर क्रीम है. ये मेरे बालों को एक वॉल्यूम भी देती है थोड़ा बाउंसी बनाती है और साथ ही साथ थोड़ा सा स्मूथ भी रखती है तो मेरे ये फेवरेट क्रीम है. सेकंड चाहिए मुझे इसके लिए एलोवेरा जेल. मेरे पास है पतंजलि का एलोवेरा जेल तो मैं इसको यूज कर रही हूँ. आपके पास जिस भी ब्रांड का हो आप उसे यूज कर सकते हैं. घर में प्लांट हो तो उसका फ्रेश जेल निकालिए वो और भी अच्छी बात है. आगे थर्ड इज मुझे चाहिए इसके लिए कंडीशनर. मेरा फेवरेट कंडीशनर आजकल है गार्नियर अल्ट्रा ब्लेंड इंस्टेंट रिपेयर कंडीशनर जो कि कुछ ऐसा है देखने में. आजकल मेरा ये फेवरेट बना हुआ है तो इसलिए मैं इसका यूज करूंगी. आपका जो फेवरेट हो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि आपको भी यही यूज करना है. फोर्थ चाहिए मुझे पैराशूट, मतलब मेरे पास पैराशूट है. बेसिकली चाहिए क्या, कोकोनट ऑयल. तो आपका जिस भी ब्रांड का आप वो यूज करिए. मेरे पास पैराशूट का तो मैं पैराशूट का यूज कर रही हूँ. ये चार चीजें चाहिए हमें. ओके, इसके अलावा हमें चाहिए एक बोल एंड एक स्पून और एक स्प्रे बोतल भी चाहिए होगी अपने बालों को हमें थोड़ा सा गीला करने के लिए. ठीक है, और अब मैं मिक्स करने वाली हूँ इन सारी चीजों को एक बोल. सबसे पहले ले रही हूँ मैं इसमें एलोवेरा जेल. मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग लूंगी जो भी प्रोडक्ट लूंगी. आपके बालों की लेंथ जितनी हो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा. मैं इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून लमसम लूंगी एलोवेरा जेल. इसके बाद लूंगी मैं इसमें हेयर क्रीम हाफ अ टेबल स्पून. ओके, उसके बाद मैं लूंगी इसमें कंडीशनर लगभग 1 टेबल स्पून. उसके बाद मैं लूंगी इसमें कोकोनट ऑयल मेन ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून लगभग मैं ये भी ले लूंगी. ठीक है, ये चारों चीजें लेके मैं मिक्स कर दूंगी. अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे. मिक्स होके कुछ ऐसा लगेगा ये आपको. ठीक है, अब इसके लिए मैं अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर लूंगी. मींस की हाफ ऑफ सेक्शन में ले लूंगी लाइक दिस. और एक स्प्रे बोतल में वाटर ले लूंगी उससे अपने.
इस तरीके से गीला कर लूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे आपको अपने हेयर स्कैल्प में यूज नहीं करना है, मतलब कि बालों की जड़ों में यूज नहीं करना है, नहीं तो बहुत आपको बहुत तगड़ा वाला बहुत जबरदस्त तरीके से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने हेयर क्रीम भी मिक्स करी है और इसमें मैंने कंडीशनर भी मिक्स किया है, जो कि हमें अपने बालों की स्कैल्प पे यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें वो हार्म करता है स्कैल्प पे। तो हमें सिर्फ इसे अपने बालों की करने के बाद हमें अपने पूरे बालों में आधे घंटे तक रखना है, मीन्स की 30 मिनट तक। 30 मिनट बाद हमें इसे वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से, और उसके बाद हमारे बाल नॉर्मल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको वेट कर रही हूँ 30 मिनट का। 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लूंगी एक बार, फिर एंड आपको मैं दिखाती हूँ कैसे मेरे बाल हो जाएंगे। इसे एक वीक में आप दो बार कर सकते हैं। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, उसके आधे घंटे पहले आप इसे अप्लाई करिए और उसके बाद वॉश करिए। कि अगर आपके पास ये हेयर क्रीम नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं इस मास्क से। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे मतलब मिक्स करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी। मेरे पास है तो मैंने यूज किया, अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है तो फिर काम नहीं होगा, बिल्कुल इसे हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ 3 चीजों से ही इस मास्क को बनाइए और अप्लाई करिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा आपके बालों में। अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा, आपको अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रेमेडी के साथ। और अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, मेरी वीडियोज को लाइक करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज को शेयर भी करना है। ओके, और मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।